नवाज शरीफ को खवातीन से मुतालिक बयान देना महंगा पड़ गया। पहले 21 अक्टूबर का जलसा, फिर वर्कर्स कन्वेंशन। अभी 21 अक्टूबर के जलसे के बयान पर लगी आग बुझी नहीं थी कि नवाज शरीफ के एक और बयान ने जलती पर मजीद तेल डालने का काम किया। सबसे पहले ये सुने कि नवाज शरीफ ने क्वेटा में वर्कर्स कन्वेंशन में क्या कहा। पुरअमन बैठती हैं और कोई वहाँ पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी लीगी कायद के बयान पर बरस पड़ी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ईमान मजारी ने ट्वीट किया कि खवातीन के बारे में नवाज शरीफ का तजहीक आमेज बयान नून लीग के लिए कोई नई बात नहीं। इस पार्टी का मानना है कि इज्जत की मुस्तहिक सिर्फ वही खवातीन है जो शरीफ खानदान में है या वो जो खामोश बैठ कर सर हिला के बैठ जाती है। नवाज शरीफ अभी तक 90 की दहाई में फंसी हुई तकरीरें करते हैं। गुज़श्ता माह वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनों के बारे में तजहीक आमेज अल्फाज कहे थे, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था।